नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जिस ऑर्डर में मैं जो खाने को बोलता हूँ उस ऑर्डर की क्या महत्वता है। वो ऑर्डर जैसे कि सुबह एनीमा और उसके बाद जो है ग्रीन जूस, सबसे पहले ग्रीन जूस और उसके बाद फल, और वो भी फलों में जो है सबसे पहले पपीता, और उसके बाद जो है फ्रूट और फिर सलाद और फिर रात में मिलेट्स। ये जो ऑर्डर है इसकी क्या महत्वता है? कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम मिलेट ही क्यों ना खा लें, ग्रीन जूस बाद में ले लें और फल उसके बाद खा लें, है ना, ऐसा क्यों ना कर लें। तो ये जो ऑर्डर हमने सेट किया हुआ है इसकी महत्वता क्या है, इसी के विषय में हम बात करेंगे। देखिए, जो भी हम खाते हैं भोजन, उसका डाइजेशन और एसिमिलेशन, ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड अलग होता है। हर भोजन का डाइजेशन एंड एसिमिलेशन टाइम पीरियड अलग होता है। मतलब कि एक ग्रीन जूस जो वक्त लगाएगा यहाँ मुंह से लेके कॉलन तक पहुँचने में, ठीक है, उसी के मुकाबले मिलेट जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त लगाएगा, और उसी के मुकाबले जो है जो सलाद है उसका टाइम पीरियड भिन्न होगा। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक चीज़ है जो अगले 7-8 घंटों में पच रही है, अब उसको आपने पहले डाल दिया और ग्रीन जूस बाद में ले रहे हैं, अब होगा क्या? या उसके बाद आपने फल ले लिया, होता क्या है बेसिकली, जो भोजन आपने पहले लिया है जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है डाइजेशन और असिमिलेशन का, तो वो वहाँ बैठ के वेट करेगा, और ऊपर से वो डाला है आपने, है ना, अब होगा क्या, वो सड़ेगा। जिसका टाइम पीरियड कम है वो वहीं बैठ के सड़ने लगेगा, फर्मेंट करेगा, आपको डकारे आएंगी, गैसेस बनेंगी, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन जल्दी पचेगा कौन बाद में पचेगा। इसीलिए ये जो ऑर्डर है ये हमने सेट किया हुआ है, और ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकली इसको करके हमने लाभ लिया है। और अब तो ये चीज़ मतलब कि अनुभव जो है बहुत लोगों के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में हमारे साथ अनेकों लोग डाइट करके अपनी अनेकों बीमारियों को ठीक कर चुके हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकली करके हमने ऐसा देखा है और इसका जो है पूर्ण लाभ जो है मिलता है। सुबह जब आप ग्रीन जूस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि पूरी डाइजेस्टिव कैनाल साफ हो जाती है। अब अगर आप सवेरे सवेरे मिलेट्स ही ले लेंगे और मिलेट जाके वहाँ बैठ जाएगा क्योंकि उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, ठीक है, या अन्य प्रकार के आप भोजन लेंगे, ठीक है, घर में जो भी भोजन बन रहा है यदि वो आप ले लेते हैं तो जूस वो काम करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, कैसे करेगा? जब तक वो पहले डाला हुआ चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि ग्रीन जूस खाली पेट लेना ताकि वो पूरे डाइजेस्टिव कैनाल में ट्रेवल कर जाए। उसके बाद फल जो है, फलों में देखिए जो पपीता मैं कहता हूँ कि इसके बाद पपीता लीजिए, उसमें पानी ज़्यादा होता है, पानी भी ज़्यादा है और लुब्रिकेशन है उसमें, ठीक है, यही दो कारण हैं जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला जो फ्रूट है वो पपीता ही जाना चाहिए ग्रीन जूस के बाद। और लुब्रिकेशन हमारी आंतों के लिए बेहतर होता है, होना भी चाहिए। लुब्रिकेशन दो तरीके से होता है, या पपीता खा लीजिए या घी खा लीजिए, ठीक है, घी से ज़बरदस्त लुब्रिकेशन होता है, उसकी आवश्यकता बाद में पड़ती है जब बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग हो जाती है, है ना, जब हम बहुत ज़्यादा एकदम सफाई कर देते हैं तो उसके बाद उस रुक्षता की वजह से जब गैसेस पैदा होने शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त जो है हम घी खाने को बोलते हैं, उससे क्या है कि रुक्षता दूर हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक की। तो दूसरे नंबर पर ये फल है, और उसके बाद जो है आपको सलाद लेना चाहिए, फलों के बाद सलाद जो है पचाने में उसका टाइम पीरियड जो है फलों के बाद है, है ना। मान लीजिए फल 1.5 घंटे में पच रहा तो वो 2 घंटे में पच जाएगा, मिलेट्स जो है वो एटलीस्ट 3-4 घंटा तो लगा ही देता है पचाने में, उसे और आगे बढ़ोगे तो
जो कि आपको लेना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि गेहूं की रोटी होगी है ना, चावल हो गया, दालें होंगी, तो ये उससे ज़्यादा टाइम पीरियड लगाएगा ओबियसली, 6 से 8 घंटा। और ये टाइम पीरियड और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति की का डाइजेस्टिव ट्रैक कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना जो है वीक है, इन चीज़ों पे भी तो डिपेंड करता है ये टाइम पीरियड। और जो है ये जो दूध का बनता है, इसको क्या बोलते हैं, पनीर, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए इसको तो पचाने में, मान लीजिए एक व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अस्वस्थ है उसकी तो बात ही छोड़ दो, स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आप सुबह खा लेंगे 9 बजे, तो मान के चलिए वो 7-8 बजे शाम को ही पचेगा, इतना टाइम पीरियड लगाता है पनीर पचाने में, सबसे ज़्यादा वक्त लगाता है, सोचिए। तो चलिए, खैर आपको मेरी डाइट में कहीं भी दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही मना है, नहीं लेना है, ठीक है, मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे जो है भोजन जो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगाते हैं। और गलती से यदि कोई व्यक्ति जिसको नहीं पता है और वो खा रहा है ना, जब स्वस्थ व्यक्ति को इतना टाइम लगा रहा है पनीर पचाने में, तो अस्वस्थ व्यक्ति जब खाएगा तो सोचिए उसको कितना टाइम लगाए, उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा। सो ये जो ऑर्डर हमने सेट किया हुआ है, यही महत्वता है, इस ऑर्डर को आपको तोड़ना नहीं है, इसी ऑर्डर में इन चीज़ों को लेना है। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।